जो अच्छी तरह का पूरा व्यू, अभी मुंह धोया हमने और अभी पसीना पूरा फूल आ रखा है। और इसके अंदर आपको हम लेके चलेंगे, इसके अंदर चार कब्रें बनी हुई हैं, जो कि एक उनमें से एक उस्ताद सैयद खान की है। पर ये जो कब्रें बनी है ये सिर्फ देखने के लिए है, इसकी जो असली कब्र है वो नीचे जमीन के नीचे बनी हुई। पहुंच चुके हम उस लोकेशन पे जहां पे हमने आपको बताया था। ये जो जगह है ये एक मकबरा है, जो था शागिर्द का मकबरा, ठीक है। और इसकी जो स्टोरी है ये आपको एक बार वो सामने दिखा दूँ। पिछले व्लॉग में हमने आपको वो चीज़ पूरी एक्सप्लोर करवाई थी, जो था उस्ताद का मकबरा, ठीक है। और ये हुआ था, इन दोनों में एक कॉम्पिटिशन था, उस्ताद में और शागिर्द में एक कॉम्पिटिशन था कि कौन बेहतर है, क्योंकि दोनों थे आर्किटेक्चर और ये जो शागिर्द था ये उनसे ही सीखा हुआ था जो कि उस्ताद थे, ठीक है। तो जो शागिर्द था वो अपनी मतलब जो वास्तुकला है अपने आप को थोड़ा बेहतर दिखाना चाहता था, इसलिए उसने पूरी जान लगा दी थी उस्ताद से बेहतर बनाने के लिए। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें डिज़ाइन वगैरह दिख रहे हो, फूल पत्तियाँ दिख रही हैं ना सामने वो वाइट में येलो में, तो इसका मतलब ये है हम वहाँ पे कहते हैं वो बिल्कुल प्लेन था ईंटों वाला। इसमें उसने अपनी कलाकृति दिखाई है, फूल पत्तियाँ लगाई गई हैं कि मैं तेरे से बेहतर हूँ, मतलब मैं तुमसे बेहतर हूँ, मतलब उनसे कुछ अलग करने की कोशिश करी है, कुछ अलग और कुछ बेहतर ऊपर करने की कोशिश की है। क्योंकि इतना बड़ा मकबरा है ये हमारे कैमरे में भी पूरा फिट नहीं आता, कैमरा मैन को नीचे कराना पड़ा पूरा फिट करने के लिए, फिर भी पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होगा कि नहीं हो रहा, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। और इसके जो गुंबद देखोगे आप ऊपर, ये चार गुंबद इसमें हैं और चार ही उसमें हैं वो ऊपर, और इसके जो गुंबद है वो ज़्यादा चौड़े हैं, ज़्यादा तगड़े हैं उस वाले से। और इससे साफ पता चल रहा है कि ये क्या दिखाना चाहता था शागिर्द। और इसका जो वो ऊपर गोल वाला हिस्सा है देख रहे हो आप, वो भी उस वाले से बहुत बड़ा है। ये देखो मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे दोनों पे, ये उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके जो बनाए गए छोटे छोटे बनाए गए हैं वो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ से एक बारी। और यहाँ की जो स्टोरी है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, यहाँ पे एक उस्ताद था एक शागिर्द था, और ये बात है 1605 से लेके 1627 के बीच में ये बात शुरू हुई थी। उस्ताद और शागिर्द की ये मज़ारें हैं दोनों। उस टाइम पे जहांगीर का मुग़लों का मतलब शासन हुआ करता था, और उनके एक गवर्नर जो थे उस्ताद सैयद खान, उनका शागिर्द था ये बंदा, ठीक है। तो उनकी जब मौत हो गई थी उनकी याद में वो चीज़ बनाई गई थी, तो इसने शागिर्द ने क्या किया, कॉम्पिटिशन किया कि मैं उनसे भी तगड़ी बनवाऊँगा अपने लिए, है ना। तो उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी कि मैं उनसे तगड़ा बना के दिखा सकूँ, अपने आप को उससे ऊपर दिखा सकूँ, है ना। उसी चीज़ में ये बना हुआ है, तो अभी हम अंदर चल के देखेंगे। तो यहाँ से इसका ये साइड का व्यू है, एक बार साइड का व्यू दिखाओ, फिर हम अभी आगे से अंदर भी चलेंगे घूम के। और इसमें जो ईंटें वगैरह लगी हैं लाकोरी ईंटें लगी हैं, लाल लाकोरी, और जो इसमें सीमेंट लगा जिसको हम सीमेंट बोलते हैं, इसमें लगा हुआ है चूना, वाइट चूना ही है। तो बहुत ज़्यादा पक्का है, क्योंकि इसकी आ जाओ आगे आओ पहले यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, खड़ना बहुत मुश्किल है। दोस्तों ये भी उसी टाइम का बनाया गया किला है, 400 साल पुराना, ये भी उसी के बराबर का ही है, पर ये उससे बेहतर बनाया गया है। तो इसका फ्रंट वाला हिस्सा है दोस्तों, फ्रंट में इसका जो आगे वाला गेट देख रहे होंगे ये वाला, है ना, ये मेन गेट है, ये मेन गेट है, बहुत ऊंचा है ये, आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में। और इसका ये देखो फ्रेम कितना बड़ा है, जो कि मेरे पूरे फ़ोन में भी कैप्चर नहीं हो पा रहा है। दोस्तों ये जो दो कब्रें हैं ये बताया जाता है इनमें से कोई उनकी उस्ताद की कब्र है, और जो दूसरी कब्र है वो शायद उनके लिए चेले की, जो मतलब उनका भी जो शागिर्द होगा ये शागिर्द की, और उनके उनके नीचे जो शागिर्द होगा उनकी कब्र है। तो बाकी यहाँ का जो ऊपर दिखाते चाहिए ऐसा दिख रहा है, उस टाइम पर कैसा दिख रहा होगा जब ये बना था, ये उससे बहुत ज़्यादा अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि
नॉर्मल ईंटों का बना हुआ था वो मकबरा। और ये है यहाँ पे, इसमें मतलब इतना जो होता है अपना प्लास्टर है ना, प्लास्टर भी हुआ हुआ है। और यहाँ पे पेंटिंग वगैरह, और ये देखो डिज़ाइन दिखने में तो ये साफ़ लग रहा है कि उससे बेहतर बनाया गया है, साफ पता लग रहा है। क्योंकि ये आर्किटेक्चर का था तो जरूर यहाँ पे कुछ वो बना के ही रखते होंगे, ये जितनी यहाँ पे बनाने के लिए गए हैं। ऊपर चलते हैं, तो ये इसको ऊपर जाने का रास्ता है। नीचे से टूट चुका है पूरा, क्योंकि 400 साल पहले बना था, पर 400 साल पहले बना था तो इसकी जो पीछे हैं इससे अभी भी पूरी मजबूती के साथ लगी हुई हैं। ये वाइट चूना है और ये लाल लकोरी ईंटें हैं, पुराने टाइम पे यही लगती थी, बहुत भारी होती है ईंट। ये है वो ईंट, छोटी सीट है पर इसका बहुत ज़्यादा वजन है। और चलो ध्यान से जाना भाई, ब्रिंडे वगैरह बताई गई हमें तो थोड़ा देख के, यहाँ पे हमारे पास लाइट भी नहीं है। चलो, और ये यहाँ पे लगाए गए हैं दो दिए जो होते हैं, दिए लगाने के लिए ये जगह बनी हुई है, क्योंकि उस टाइम पे लाइट तो नहीं होती थी, दिए लगते थे यहाँ पे ये दोनों साइड पे। फर्स्ट फ्लोर इससे ऊपर जाने की एक और सीढ़ी है, यहाँ का एक बार व्यू लो। ये ऊपर गोलाई में डिज़ाइन बना हुआ है ईंटों से, ये तो सेम वैसा ही है। और ये त्रिकोणा दरवाज़ा सेम वही चीज़ है, पर इसमें फिर भी उससे कहीं बेहतर करने की कोशिश की गई है। वो नीचे का डिज़ाइन देख लिया होगा आपने, यहाँ का व्यू लो। ये यहाँ पे फूल पत्ती है, ये बता रहा था मैं, ये पेंटिंग हो रखी थोड़ी बहुत यहाँ पे, उसमें वैसे कुछ नहीं है पेंटिंग वगैरह का, उसमें खाली ईंटें हैं, इसमें थोड़ी पेंटिंग वगैरह बनाई गई है। और आप ये सोचो कि जिस टाइम पे ये बना होगा है ना, जिन्होंने बनाया होगा इतना बड़ा किला है ना, और ये जो नॉर्मल सी पेंटिंग दिख रही है हमें, नॉर्मल हमें लग रही है, उस टाइम पे इन पेंटिंग का मतलब कितना ज़्यादा महत्व होगा है ना, जिन्होंने पूरी मेहनत लगा दी ये पेंटिंग बनाने में, क्योंकि हाथों से बनी है ना। पर उस टाइम पे ये पेंटिंग कैसी दिखती होगी आप अंदाज़ा, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस चीज़ का, क्योंकि जो इतना बड़ा आर्किटेक्चर होगा वो कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं बनाएगा है ना, कॉम्पिटिशन में कुछ तगड़ी चीज़ ही बनाएगा, ये बात यहाँ पे ज़रूरी है। और इसका डिज़ाइन अलग है, डिज़ाइन देखो ये वाला, हाँ डिज़ाइन इसका थोड़ा उससे अलग है, उससे मतलब उससे ऊपर है ये बोल सकते हैं। चलो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे फिर से वही दिए लगाने वाली जगह आ गई, दिए लगाने के लिए एक ये जगह, एक ये, ये बने यहाँ पे बुर्ज जो कि बहुत बड़े हैं उस वाले से। ये देखो, और ये यहाँ पे मकबरा निकला, एक मिनट उसमें ना जाना नहीं गया, ये इसमें थोड़ी बहुत लाइट है तो यहाँ थोड़ी बहुत वीडियो भी बन जाएगी। तो दोस्तों पहली बार देख रहे होगे आप बुर्ज के ऊपर खड़े हैं, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पूरा इसका डिज़ाइन दिख रहा है, कैसे बना है, क्या डला इस डिज़ाइन में और कैसे बनाया गया है राउंड में। ये वो है जो नीचे से दिखाई दे रहा था टॉप का, हाँ, ये वो है। और इसके ऊपर एक और टॉप है पर वहाँ पे हम नहीं जा सकते, यही टॉप है, इसके ऊपर ये है प्लेन ईंटों से बना हुआ, और इसका डिज़ाइन देखो पूरा गोल, पूरा कितनी सारी ईंटें लगी है देखो, और जो ईंटें हैं उसकी मोटाई देखो, जो हमने देखा था उस्ताद की मजार उसकी ईंट फिर भी थोड़ी मोटी थी, पर ये उससे आधी ईंट है ना, तो ये कितना मजबूत होगा आप सोच सकते हो। ऊपर मत जाना इसके, तो ये पूरा गोल है, नीचे से पूरा दिखाई दे रहा था वही है, ये यहाँ से ऊपर ओपन ओपन भी है, ये देखा है करी है नी, एक मिनट, ये कितने सारे हैं ये दिए रखने वाले, जब यहाँ पे एक ही जगह ये कबूतर है,
जब यहाँ पे एक एक जगह पे दिया रखा जाता होगा उस टाइम पे, तो ये जगह रात को कैसी लगती होगी? उजाला होता होगा यहाँ पे, दिए जलते होंगे पूरी रात में, कैसा लगता होगा? ऊपर ये सारे लगे हैं, उसके नीचे और ये सबसे नीचे, पर ये ऊपर तक दिए कैसे रखते होंगे जला के? फिर ऊपर ही होगा रास्ता मेरे ख्याल से, तो ऊपर जाने के लिए तो होगा यही है। आज एक बार देखते हैं, सर बचा के एक बार, एक व्यू ये देखो कितना मस्त है, चार है ये, एक बार इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर करके देखते हैं आका अंदर। एक मिनट, यहाँ से वो भी दिख रहा सामने, वैसे देखा जाए तो ये वाला उससे खूबसूरत लग ही रहा है देखने में हरीश भाई, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, यहाँ पे पक्का काम भी, पत्थर वगैरह देखो नीचे ज़मीन पे दिख रहे होंगे आपको, प्रॉपर लगाए गए हैं यहाँ पे। ये जो जगह है ये बैठने के लिए बहुत अच्छी है, अगर हम इस टाइम यहाँ बैठेंगे पूरी ठंडा का पूरी ठंडा पड़ा है। बाकी हम जब भी मैन वैसे डेविल या अपना डेविल स्टूडियो शूट करने जाते हैं किसी महल के लिए, तो इतनी डिटेल से किसी चीज़ के बारे में नहीं बताते, हम रात को जाते हैं सीधा एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे क्या है क्या नहीं, फिर आ जाते हैं। तो ये स्पेशल चैनल हमने इसलिए बनाया क्योंकि आपको दिन में भी ऐसी ऐसी जगह दिखाई जाए जिसका आपको रात को पूरा व्यू नहीं मिलता, ये मेन मोटिव इसलिए है दोस्तों। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो इस चैनल पे जो व्लॉग डालेंगे बहुत मज़ेदार होंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह अभी हमें तक पड़ी हुई है जो आज तक जहाँ पे कोई नहीं गया व्लॉगर, ऐसी ऐसी जगह पे जाएंगे। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो शेयर करना दोस्तों, और ये एक बार दिखा देंगे यहाँ से सामने जो उस्ताद की मज़ार है वो सामने दिख रही है, यहाँ से बिल्कुल सामने दोस्तों, इससे पता चलता है कि बिल्कुल साफ कंपटीशन ही किया गया आपस में। ये देखो वो भी कितना खूबसूरत है वैसे दिखने में, पर ये जो है दिखने में लग रहा है, हमें लग रहा है आपको वीडियो में पता चल जाएगा, ये उससे कई गुना बेहतर बनाया गया है और दिखने में सच्चाई भी यही लग रही है। ये देख लो इसमें, क्योंकि उसमें सारा खाली पत्थर का काम हो रखा है, खाली ईंटें ईंटें हैं, और इसका एक रीज़न और भी है वो ये है क्योंकि पहले वो चीज़ बन चुकी थी, हाँ, जिसने वो चीज़ बनाई उसको नहीं पता था कि इससे बेहतर भी कोई बनाएगा, हाँ, इसलिए उसने अपना जितना हो सके, क्योंकि वो बहुत तगड़े आर्किटेक्चर थे जिन्होंने ये बनाया, वो उन्हीं का चेला था, तो जब उन्होंने वो बनाया है ना, उनको नहीं पता था कि इससे भी तगड़ा कोई बनाएगा, तो इन्होंने सीखा तो उनसे होगा कभी ये काम, इन्होंने देखा होगा कि हाँ उन्होंने क्या बनाया, इन्होंने उससे थोड़ा ऊपर ही बनाया, हटके बनाया, चाहे उससे 10% ऊपर बनाया पर उससे ऊपर बनाने की कोशिश की है, और बना भी है उससे ऊपर बना भी है काफी, वीडियो में आपको पता चल रहा होगा फर्क। और ये यहाँ पे दिए रखने के लिए फिर से यहाँ पे शायद यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ है ना, शायद वेंटिलेशन के लिए, तो वैसे ये जगह भी बहुत है, चार कोने खुले हुए चार तरफ से, दिए रखने के लिए ये जगह होगी उस टाइम पे बैठते होंगे यहाँ पे जो आसपास देखते होंगे उस टाइम यहाँ पे, क्योंकि चार है, एक दो तीन चार, सेम वैसे उसके कोने पे भी जो दूसरा महल है उस पर भी चार ऐसे बनाए गए हैं, चार वो थोड़े छोटे छोटे हैं, वो छोटे हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, देखो दिख रहा होगा इसमें, ये चार जो छोटे छोटे ऊपर बने गए हैं, तीन कोने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और चौथा जो है उसकी बैक साइड पे है वो, तो वो बहुत छोटे बनाए गए हैं, और ये पूरा ऊपर गोल वाला मकबरा है जो ये भी छोटा है इसके आगे, ऐसे करते हैं फिर, हाँ पूरा तो ये दिखाई दिया, चार कोने दिखा दिए, एक बार ये कोना रह गया था, हाँ दिखा दो इसे, तो ये भी कोना एक इसका ही, और चारों तरफ का व्यू दिखाओ, खेत ही खेत है हर तरफ, नीचे जा रहा रास्ता, ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म है नीचे जहाँ पे खड़ा हूँ मैं। तो अभी दो लोकेशन और है यहाँ पे, एक तो ये थी शागिर्द की और उस्ताद की मज़ार, दो लोकेशन अभी और दिखी है रास्ते में, वो पता नहीं उनका इतिहास क्या होगा, हम वहाँ पे जाके देख, वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो थी ऐसी ही बिल्कुल, पर इससे थोड़ी छोटी थी, पर वो भी दिखने लायक थी, वो भी शायद इसी का कोई हिस्सा लग रहा है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है दिखने में, कोई इसके रिलेटेड ही थी कुछ जो था वो, ऐसे करते हैं हम यहाँ से चलते नीचे, क्योंकि ये पूरा एक्सप्लोर कर दिया, पूरी स्टोरी हमने आपकी जाके बता दी है दोस्तों, ऐसे करते हैं हम यहाँ से चलते बाहर, और जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, जो हिस्टोरिकल वीडियो देखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सही है, जो चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं उनको नहीं पता, यहाँ पे आओ सरहंद, फतेहगढ़ साहब से थोड़ा सा आगे 1.5 किलोमीटर सरहंद में पड़ता है ये, ठीक है, ऐसे करते हैं हम चलते हैं नीचे।
आ चुके हम लोकेशन के बाहर। जो लोकेशन थी हमने आपको दिखा दी है, बहुत खूबसूरत लोकेशन थी, और ऐसी लोकेशन इस चैनल पे पहली बार आई है, और आगे आगे ऐसी लोकेशन बहुत आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मज़ा आया अंदर घूम के, बाकी निकल कर देंगे। दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जैसा कि ऋषभ ने बताया, दोनों किले दोनों महल बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनाए गए हैं। पहले हम उसमें गए थे, हमें वो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा तो है, दोनों बहुत अच्छे हैं, पर ये दोनों जैसे कि आपको स्टोरी बताई, एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में बनाए गए हैं। तो वो ये जो यहाँ का था, है ना, यहाँ का मालिक था, जो इसने उससे पूरा बेहतर बनाने की कोशिश की है। और अंदर से देखना आप व्यू, वीडियो में देखना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे बनाए गए हैं उस टाइम पे, क्योंकि 400 साल पुराना दोस्तों बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे ऐसे किले बनाना। तो दोस्तों हम वीडियो का यहीं पे एंड कर रहे हैं ब्लॉग का, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहो हनी निखिल ब्लॉग्स, द डेविल स्पिरिट और मैन वर्सेस डेविल। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों इस चैनल को दबा के, ठीक है, मिलते हैं दोस्तों।